अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति कल 14 अक्टूबर को पूरे देश के सैकड़ों किसान संगठनों के साथ सीटू लागत आधारित समर्थन मूल्य की मांग पर देशव्यापी आंदोलन करेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस मनाया जाएगा। इस आंदोलन में कहीं रेल रोकी जाएगी तो कहीं रास्ते और गांवों में प्रदर्शन होंगे, कहीं भाजपा सांसदों और विधायकों के घर के सामने भी प्रदर्शन होंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया है कि प्रदेश में भी किसानों और आदिवासियों के बीच काम करने वाले 25 संगठन आंदोलन करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सीटू लागत का 1.5 गुना घोषित करने का कानून बनाने, इस मूल्य पर अनाज खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार के बाध्य होने का कानून बनाने और किसी भी व्यापारी या कंपनी और इनके बिचौलियों के घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल की खरीदी को कानूनन अपराध घोषित करने और जेल की सजा का प्रावधान करने की मांग की जाएगी। 14 अक्टूबर को पूरे देश के किसान अपने अपने किसान संगठनों के बैनर के तले न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं। रेल रोके जाएंगे, सड़क जाम किए जाएंगे, भाजपा सांसद और विधायकों के घरों पर, कार्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। जबलपुर में